सरिता अपनी दो बहुएं रीना और चंदा के साथ अपनी हवेली में रहती है। सरिता को वास्तुशास्त्र की रीतियों में बहुत विश्वास है। वो वास्तुशास्त्र के एक पंडित पर बहुत भरोसा करती है और आए दिन उन्हें घर बुलाकर पूजा पाठ कराती रहती है। इसी बात पर सरिता और दोनों बहुओं की बहस होती रहती है, पर सरिता उनकी एक नहीं सुनती। घर में हर चीज वास्तु और बाबा के कहे अनुसार ही होती है। घर में दूध गिर जाने जैसी छोटी सी छोटी बात पर भी बाबा को बुलाकर घर का शुद्धिकरण कराया जाता है। एक सुबह सुबह चंदा आंगन में पौधों को पानी देती है और चौंक जाती है। अरे, ये आंगन पूरा खाली कैसे है? जो बगीचा ढेर सारे गुलाब के फूलों से भरा था, आज यहाँ एक भी गमला नहीं है। कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई? चंदा घबराकर सरिता को आवाज लगाती है। सरिता दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। अरे क्या हुआ बहू, पूजा पाठ के समय में ये क्या शोर मचा रखा है? माँ जी, वो गुलाब के फूलों के गमले जो आपने बगीचे में लगाए थे ना, सारे चोरी हो गए। अरे बहू, कोई चोरी नहीं हुए हैं, वो तो मैंने खुद जाकर चौराहे पर रख दिए हैं। बाबा ने कहा था कि वास्तु के अनुसार घर में गुलाब के पौधे होना बहुत अशुभ होता है, और अगर उन्हें चौराहे पर रख दो तो सारी भलाई टल जाती है। अब घर में सब कुछ बाबा के कहे अनुसार ही होता है। घर की बहुत सी चीजें कुछ दान कर दी गई है, कुछ चौराहे पर पड़ी है, तो कुछ को तो कूड़े में फेंक दिया गया है। एक दिन रात में सरिता को आंगन में से किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे बहू, सब इधर आओ, रीना और चंदा, जल्दी से आओ। दोनों बहुएं घबराकर बाहर आती है। अरे मुझे यहाँ से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। अरे ये तो किसी इंसान की आवाज आ रही है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हमारे घर में जरूर कोई भूत है। चंदा और रीना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि किसी इंसान या जानवर की तरह लग रही है, पर सरिता किसी की नहीं मानती और सीधा पंडित के पास जा पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम सही कह रही हो, जरूर इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। तो क्या इसका कोई उपाय है क्या बाबा? इसका तो बस एक ही उपाय है, तुम्हें उस घर को छोड़कर जाना होगा, वरना वहाँ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। सरिता बहुत घबरा जाती है और पूरा परिवार उस घर को छोड़ देता है। पर अब भी दोनों बहुओं को दाल में कुछ काला लग रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीना और चंदा एक योजना बनाती हैं। शाम को अंधेरा होते ही वो दोनों हवेली पहुँचती है। चंदा आगे वहीं खिड़की से और रीना पीछे के दरवाजे से झांक कर देखती है कि वहां तो लाइट चालू है। वो दोनों घबरा जाती हैं और जल्दी से सरिता और आसपास के लोगों को बुला लेती है। वो सब दरवाजा तोड़कर देखते हैं कि पंडित जी, उसकी पत्नी और बच्चे आराम से घर में सो रहे हैं, और वो सारी चीजें जो कभी कहीं फेंक दी गई थी या गरीबों को दान में दी गई थी, वो सब वहां मौजूद है। और यहाँ तक कि रीना का हार, जो उसे लगा था कि गुम हो गया है, वो पंडित जी की बीवी ने पहन रखा है। सरिता चौंक जाती है। हमें तो पहले से ही शक था कि ये वास्तुशास्त्र के अंधविश्वास की आड़ में ढोंगी बाबा हमसे सब लूट रहा है। हाँ देखिए ना माँ जी, ये तो वही गमले और सामान है जो इसने आपसे चौराहे पर रखने के लिए कहा था। बाबा और उसका परिवार घबराकर भागने की कोशिश करता है, तभी आसपास के लोग उसे पकड़ लेते हैं और डर के मारे वो सब कुछ उगल देता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने ही घर का सामान हड़पने के लिए आपके अंधविश्वास का फायदा उठाया, और मैं ही शाम को आंगन में छुपकर वो ओ ई आवाज़ें निकालता था। हाँ, और मैं ही वो ही आवाज़ें निकालती थी। बाबा माफी की भीख मांगने लगता है और सरिता को एहसास हो जाता है कि आज तक उसने अपनी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी थी और उसके साथ केवल छल हुआ है। सरिता गुस्से में बाबा की कॉलर पकड़कर कहती है, अब तो पुलिस तुझे मार मार कर तेरी शक्ल का वास्तुशास्त्र बिगाड़ डालेगी। सब हंसने लगते हैं।